हाय गाइस, मैं प्रियंका अपने चैनल में सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के साथ एक और नया रिव्यू वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए हाइलाइटर का वीडियो लेके आए हैं। तो इसे हाइलाइटर का नाम जानते हैं, तो हाइलाइटर का नाम यहाँ पर हिलेरी रोडा सिमर ब्रिक नाम है। तो आज हम हाइलाइटर के बारे में बात करेंगे कि इस हाइलाइटर में ऐसा खास क्या है और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं और कब ये यूज होता है सब कुछ जानेंगे, प्राइस के साथ कि इसका प्राइस क्या है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो हम आपको बताते हैं वीडियो में क्या कैसे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये हाइलाइटर का वीडियो कैसा लगा। तो गाइस ये देखिए, हाइलाइटर का कुछ ऐसा होता है, पहले ये पैकेजिंग में आता है तो आपको इसका पैकेजिंग ऊपर से दिख रहा होगा कि ऊपर से इसका जो पैकेजिंग रहता है वो खाली रहता है क्योंकि ये शीशे में जो है ऊपर से ही आपको दिखता है। तो इसका बात करें तो ये चारों तरफ से ब्लैक है और बीच में व्हाइट है शीशे की तरह, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कितने सारे सेट्स हैं। आप इस सेट से समझ सकते हैं कि इसमें कितने सारे कलर हैं, जिस कलर से हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा कलर है। इसमें आपको छह कलर मिलते हैं, छह कलर में आपको मिलता है हल्का येल्लो, हल्का सा येल्लो है, फिर हल्का सा आपको क्रीम कलर का है। इसमें आपको कलर अपने मनपसंद मिल जाते हैं। और इसका प्राइस की बात करें तो ये बहुत ही कम प्राइस में आता है, 200 में आता है और ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। आपको हम पीछे से दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए उसका नाम लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ पर नंबर 1 भी लिखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है। पर आप इसे एक बार यूज करके देखिएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ डिब्बे में ऐसे आता है, तो इसे हाइलाइटर को हम यूज करते हैं शादी वगैरह में, पार्टी में जब जाते हैं हम लोग तो हम लोग इसे हाइलाइटर को यूज करते हैं। इसे ये होता है कि हमारे चेहरे पर जितने सारे मेकअप करते हैं, हाइलाइटर लगाने के बाद थोड़ा सा उसका लुक में चार चांद लग जाता है, इसलिए हम हाइलाइटर का यूज करते हैं। तो हाइलाइटर पूरा फुल मेकअप करने के बाद यूज होता है, जब हम लोग मेकअप फुल कर लेते हैं उसके बाद हल्का सा हाइलाइटर लगा के अपने चेहरे को हाइलाइटेड करते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी कि जो चेहरे पे थोड़ा सा चमक और अलग सा ग्लो रहता है तो हाइलाइटर की वजह से होता है। हाइलाइटर आपके स्किन जैसा भी आता है, आप चाहे तो अपने स्किन के अनुसार भी लगा सकते हैं। तो इसी बारे में हाइलाइटर के बारे में हमने आपको समझाया कि इस हाइलाइटर को कैसे यूज करना चाहिए। तो आप मेकअप करते हैं उसी समय हाइलाइटर को यूज करिएगा मेकअप करने के बाद। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आप लोग के साथ ऐसे ही, बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मेरे चैनल पर एक दिन आपको कुकिंग का वीडियो और एक दिन ब्यूटी टिप्स से रिव्यू वीडियो मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय गाइस।